तो गाइज आज आ गए हम ई अश्वा में। ई अश्वा जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देखने के लिए मिले, इवन मेरे को काफ़ी सारे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स भी देखने के लिए मिले। अभी मेरे पास जो स्कूटर है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में स्कूटर आता है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, डंगस प्रो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस डंगस प्रो में हमारे को क्या क्या स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलती है, कितनी मोटर देखने के लिए मिलती है, क्या टायर साइज देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी में हमारे को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइज जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टायर साइज से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 90x100 का टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 10 इंची अलॉय व्हील में देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ ये जो अलॉय व्हील यूज़ किया गया है, ये काफ़ी अच्छा अलॉय व्हील यूज़ किया गया है, और ये एक ट्यूबलेस टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके बाद मैं बात करूँ मैं अगर सस्पेंशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ड्यूल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो कि काफ़ी अच्छे इस गाड़ी को लुक को प्रोवाइड कर रहा है। इवन इस गाड़ी की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिलती है। इसके बाद बात करूँ अगर मैं डिस्क की, तो यहाँ पे आपको 220mm का डिस्क भी देखने के लिए मिलता है। और उसके ऊपर अगर मैं बढ़ूँ, तो यहाँ पे आपको DRL लाइट देखने के लिए मिलती है। DRL के साइड साथ फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी, काफ़ी मैसिव लुक में आपको आपकी हेडलाइट देखने के मिलती है, जो इसका प्रोजेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके ऊपर यहाँ पे मैट फिनिश का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे आप छोटा सा एक एयर वेंट भी देख सकते हैं, और उसके ऊपर ही यहाँ पे आपको ई अश्वा की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। बात करूँ अगर मैं गाड़ी के साइड लुक की, तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाई गई है। आप जानते हैं ये गाड़ी का लुक जो है किसी गाड़ी से मैच करता है, मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट ये किसी ना किसी गाड़ी से मैच जरूर करता है, जो कि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी का लुक जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की, तो यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके हैंडल बार में ही एम्बेडेड है, और यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी लुक का वाइजर देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके स्पीड क्लस्टर के बारे में, तो स्पीड क्लस्टर के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोड के स्विच दिए गए हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे रिवर्स का स्विच भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग का स्विच देखने के लिए मिलता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी गाड़ी पार्किंग मोड में है, तो आप उसे रेडी टू गो कर सकते हैं। और यहीं पर आपको DRL का स्विच भी देखने के लिए मिलता है, और इवन आपकी हेडलाइट का स्विच भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता है। बात कर लेता हूं अब लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अपर बीम लोअर बीम देखने के लिए मिलता है, आपके इंडिकेटर स्विच देखने के लिए मिलते हैं, और उसके साथ साथ यहीं पे आपको एक डिसेंट सा हॉर्न देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्चुअल स्पीड क्लस्टर में हमारे को क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको आपका बैटरी इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये नंबर आपके आपके मोड को शो करता है, आप नंबर वन मोड पे है, नंबर टू मोड पे है, या नंबर थ्री मोड पे है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको तीन मोड देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी जो है वो अभी पार्किंग मोड में है, अगर पार्किंग मोड से हटाना हो, तो जैसे मैंने बताया था, आपको सिंपली ये की प्रेस करना है और आपकी गाड़ी रेडी टू गो होगी। उसी के नीचे आपको यहाँ पे आपका ओडोमीटर देखने के लिए मिलता है, और ये आपका स्पीडोमीटर बन जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको आपका की इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे एक हैंगिंग हुक देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दो पॉकेट भी देखने के लिए मिलते हैं। बात करूँ अगर मैं लेग स्पेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी वाइड लेग स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं आपकी बैटरी के कूलिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे आपको एयर वेंट भी दिया गया है। उसी के जस्ट अपोजिट, जैसे कि मैंने बताया, ई अश्वा की जो गाड़ियाँ हैं वो नॉन डिटैचेबल बैटरी के साथ आती है, जो कि एक सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। बात करूं अगर मैं फुटरेस्ट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी एम्बेडेड ही आपको फुटरेस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बात करूंगा मैं सीट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी काफ़ी वाइड सीट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद ही मैं बात करूंगा इसकी ग्रैब ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको मेटल का ग्रैब ग्रिल देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद अगर हम आते हैं बैक साइड पे, तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी वाइड टेल लाइट देखने के लिए मिलती है, और टेल लाइट के साथ साथ इंडिकेटर जो देखने के लिए मिलते हैं वो साइड में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कुछ कुछ साइड में है और कुछ कुछ बैक में है, जिससे आपके बैक वाले पर्सन को भी पता रहेगा कि आपने इंडिकेटर दिया हुआ है, इवन साइड वाले पर्सन को भी पता होगा कि आपने इंडिकेटर दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी मोटर की तरफ में, कि इसमें हमारे को मोटर कौन सी देखने के लिए मिलती है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको BLDC मोटर देखने के लिए मिलती है। BLDC मोटर के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। बट ये मैं बताना चाहूँगा, ये नॉर्मल स्प्रिंग सस्पेंशन नहीं है, ये एब्जॉर्बर स्प्रिंग सस्पेंशन है, जिसके कारण आपकी जो राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं, मीन्स अगर कोई साइड से गाड़ी आ रही है जिससे आपकी गाड़ी के प्रेजेंस जो है। और मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपके सस्पेंशन दिए गए हैं ये ड्यूल सस्पेंशन दिए गए हैं, एक सस्पेंशन आपका ये है और एक सस्पेंशन आप ये देख सकते हैं आपके दोनों साइड पे ही सस्पेंशन दिए गए हैं। अब देखिए दोनों साइड सस्पेंशन देने का फ़ायदा क्या होता है, जिससे आपकी गाड़ी जो है काफ़ी स्मूथ राइड आपको देती है। और यहीं पे आपको देख सकते हैं आपका जो फाइबर का वाइजर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बात करूं अगर मैं बूट स्पेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिसेंट सा बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। मैं बात करूं अगर फुल फ्रेम हेलमेट की, तो आई थिंक कि इसमें फुल फ्रेम हेलमेट तो नहीं आ पाएगा, बट आपका हाफ फ्रेम हेलमेट जो है वो जरूर आ जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको यहीं पे आपकी मेन कट ऑफ स्विच मीन्स आपकी MCB देखने के लिए यहाँ पे मिलती है। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे 60 वोल्ट की जो बैटरी है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी है। देखिए मैं बताना चाहूँगा बैटरी के रिगार्डिंग, आप इसमें बैटरी कोई भी लगा सकते, आप चाहे तो लिथियम बैटरी लगा लीजिए, आप चाहे तो आप इसमें लेड एसिड जेल बैटरी लगा लीजिए, ये आपके कस्टमाइजेशन के ऊपर है आप कौन सी बैटरी लगाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके सिक्योरिटी फीचर के लिए। तो गाइज इसमें आपको कुछ इस तरह की कीज देखने के लिए मिलती है, आप यहाँ पे लॉक अनलॉक के की देखने के मिलते हैं, इवन आपको इसमें कीलेस एंट्री भी देखने के लिए मिलती है, जिससे आप अपनी गाड़ी को कहीं से भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आपको जस्ट दो बारी अपनी की को प्रेस करना है और आपकी गाड़ी रेडी टू गो होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके चार्जर की। तो गाइज आपको कुछ इसमें इस टाइप का चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि 5 एम्पेयर का चार्जर है, जिससे आपकी ये जो गाड़ी है ये 5 से 6 घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगी। और कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद ये गाड़ी आपको 75 to 85 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। आप ये देख सकते हैं इस गाड़ी का लुक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मैसिव लुक लग रहा है। तो गाइज ये थी डंगस प्रो, जो कि ई अश्वा कंपनी की तरफ से देखने के लिए मिलती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिला, इसकी बॉडी जो है मेरे को काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिली, इवन इसके काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं लाइक सस्पेंशन मेरे को काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग में, आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो दिया हुआ है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।